यूपी विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। आज दोपहर विधान भवन परिसर में 12:30 बजे बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित करेंगे। इस बैठक में नेता सदन, सीएम योगी, संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार की तरफ से कई अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में फाइनल सुनवाई आज होगी। इन अपीलों पर बीते सोमवार को भी सुनवाई हुई थी। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज आजमगढ़ पहुंच रही हैं और वो सीधे बिलरियागंज जाकर आंदोलनकारियों से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के दौरान सपा और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहले ही पीड़िता से मुलाकात कर चुका है। निर्भया के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की मांग वाली अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। दरअसल निर्भया के माता पिता ने यह अर्जी दायर की है जिस पर मंगलवार को कोर्ट ने दोषियों को नोटिस जारी कर बुधवार तक जवाब मांगा था। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर केजरीवाल पर भरोसा जताया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीट मिली है जबकि बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं। वहीं इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। 63 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो चुकी है। प्रचंड जीत हासिल करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के बीच आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को ने कमाल कर दिया, आप लोगों ने, दिल्ली वालों ने तीसरी बार अपने बेटे पर भरोसा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली के लोगों ने संदेश दिया कि वोट उसी को जो स्कूल बनवाएगा, जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा। आपकी जीत के बाद दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर से अरविंद केजरीवाल ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए कहा कि दिल्ली वालों ने गजब कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि भारत माता की जीत है, ये नई तरह की राजनीति है, सभी दिल्ली वासियों को शुक्रिया अदा करता। अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ नॉर्थ वेस्ट के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया ने भी मंदिर में पूजा अर्चना कर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनावों में जीत के लिए बधाई। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की जनता की पूरी अपेक्षाओं को वो पूरी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के लिए मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बधाई देता हूं। राजनाथ सिंह की बधाई पर अरविंद केजरीवाल ने शुक्रिया कहा। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। दिल्ली में जीत के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का अभिनंदन। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। उन्होंने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बाबा जो योगी हैं, जहां गए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी और कहा कि वो दिल्ली की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर तिवारी ने कहा कि मेहनत करने पर रिजल्ट अनुकूल नहीं आता तो निराश होती है। वहीं इस्तीफे के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि आगे देखें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत से सत्ता में वापसी हुई है। चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हार स्वीकार की। दिल्ली में पार्टी के प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली के लोगों की तरफ से दिए गए जनादेश को स्वीकार करती है और वो सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाएगी। नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी को उम्मीद है कि आप सरकार राष्ट्र राजधानी के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी।
चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने बता दिया कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया। आपके खिलाफ बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, फिर भी हार गए। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार शाहीन बाग पर धारदार बयानबाजी करने वाले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने चुनाव नतीजों के बाद हार स्वीकार करते हुए कहा कि हम नतीजों पर गौर करेंगे। तो प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली वाले फ्री के प्रभाव में बह गए। हम 5 साल दिल्ली की जनता के मुद्दों को विपक्ष के रूप में उठाते रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिली जीत के बाद बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि हम दिल्ली में जनता को समझा नहीं पाए हैं। दिल्ली में बीजेपी को अभी बहुत काम करना है। इसके साथ ही गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस इस बार भी खाता खोलने में नाकाम रही। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेता हूं। हम इसकी वजहों की समीक्षा करेंगे। हमारे वोट प्रतिशत में गिरावट की वजह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की तरह से ध्रुवीकरण की राह चुनेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद सहारनपुर में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर बजाए ढोल नगाड़े, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। देहरादून में आपकी जीत और कांग्रेस की हार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, जनता के मुद्दे को हमेशा उठाती रहेगी कांग्रेस। राज्य मंत्री खेल युवा कल्याण उपेंद्र तिवारी जौनपुर पहुंचे। दिल्ली चुनाव के परिणाम को लेकर उन्होंने कहा कि हम दिल्ली की जनता के पास नहीं पहुंच पाए, आम आदमी पार्टी की कमियां। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा के नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने बाराबंकी में मनाया जन्मदिन। नरेंद्र मोदी पर बोले बेनी प्रसाद, कहा मोदी का बड़ा नाम है पर नाराज जनता सबक सिखाने को तैयार। दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद देर रात महारैली विधायक नरेश यादव के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। हमलावरों की तरफ से की गई फायरिंग में आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को गोली लगी, जिनमें से अशोक मान नाम के शख्स की मौत हो गई। तो वहीं घायल कार्यकर्ता हरिंद्र को फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज में भर्ती किया गया। 31 सूत्री मांगों को लेकर लखनऊ में जारी भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन देर रात खत्म हो गया। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। आज भारतीय किसान यूनियन के 13 सदस्य कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात करेंगे। यूपी बोर्ड की परीक्षा में छात्रों के सवाल के लिए बोर्ड ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक छात्र पूछ सकते हैं अपने सवाल। यूपी बोर्ड के छात्र टोल फ्री नंबर 8180018015310 और 1800018015312 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। शिक्षकों का पैनल देगा छात्र के सवाल का जवाब। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश राजेश दुबे उर्फ टुन्ना को गोली लगी, तो वहीं एक सिपाही भी घायल हो गया। बदमाश पर गैंगस्टर समेत कई संगीन मामले अलग अलग जिलों में दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश जीवा के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया, तो वहीं एक अन्य बदमाश भागने में सफल रहा। रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार हुआ, तो वहीं बदमाश पर 20 से ज्यादा संगीन मामले के आरोप। बदमाश पकड़ने पर पुलिस को इनाम के तौर पर मिलेंगे 15,000 रुपए। अयोध्या के 67.73 एकड़ जमीन पर भव्य राम मंदिर के साथ शहीद स्तंभ भी बनेगा, जिसके जरिए मंदिर निर्माण के लिए शहीद कार सेवकों को श्रद्धांजलि देने के साथ सदा के लिए उनका नाम मंदिर परिसर से जुड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीए के विरोध में शाहीनबाग में चल रहे विरोध में शामिल होने के बाद घर लौटे माता पिता के बच्चे की मृत्यु के मामले में संज्ञान लिया है। वहीं इस मामले पर कुछ वकीलों की तरफ से आपत्ति भी जताई गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 89 वर्षीय पिता आनंद सिंह वृष की तबीयत खराब हो गई। मंगलवार शाम को उन्हें देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि डिहाइड्रेशन की वजह से तबीयत बिगड़ने के बाद सीएम योगी के पिता को
जॉली ग्रांट स्थित स्वामीनाथ हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि आनंद सिंह बिष्ट की तबीयत में लगातार सुधार आ रहा है। मेरठ में बीजेपी नेता विकास वर्मा दारोगा के बीच जमकर नोकझोंक हुई। दोनों ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप। बवाल बढ़ने पर एसपी ने कही निष्पक्ष जांच की बात। कानपुर में सवारियों से भरे बस ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। बस में सवार लोगों को आई चोटें। फिलहाल घायलों का इलाज जारी। बदायूं दो कारों की हुई आपस में टक्कर। हादसे में 11 लोग हुए घायल। तीन की हालत गंभीर। तीनों को बरेली रेफर किया गया। मऊ के दोहरी घाट में अपहरण हुए 3 साल के बच्चे को पुलिस ने किया बरामद। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस को मिली कामयाबी। अपहरण करने वाली महिला से फिलहाल पूछताछ जारी। कन्नौज में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ आबकारी विभाग की ने कार्रवाई की है। विभाग ने जिले में कई जगह छापा मारकर 210 लीटर अवैध शराब 1000 किलो लहन बरामद किया है। मामले में कई अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। हरदोई में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। दरअसल युवक ने पैसे की लालच में अपनी सास की हत्या कर दी थी। सख्ती से पूछताछ करने के बाद युवक ने कबूला अपना गुनाह। मुरादाबाद में मां के साथ खेत में काम करने गई 4 साल की मासूम पर तेंदुए ने किया हमला। घायल बच्ची को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अयोध्या में पुलिस ने जिले में कई इलाकों में हुई लूट के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा और भी बरामद किए। कौशाम्बी में लेखपाल को रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कैंसर पीड़ित की माली हालत की रिपोर्ट लगाने पर रिश्वत मांग रहा लेखपाल राजेश्वर सिंह। बिजनौर में बैंक से पैसा निकालकर लौट रही महिला से बदमाशों ने की लूट। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर शुरू की जांच। जालौन में प्रेमिका से मिलने उसके घर जाने पर प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर जबरदस्ती शादी कराई। प्रेमिका की शादी 16 फरवरी को किसी दूसरे युवक के साथ तय की गई थी, पर प्रेमी प्रेमिका से मिलने उनके घर गया था, जिसके बाद परिवार के लोगों ने बंधक बना लिया। बाद में पुलिस ने बंधक बने युवक को छुड़ाया। कानपुर में नेशनल हाईवे पर कंटेनर में लगी आग। ड्राइवर और क्लीनर ने भागकर बचाई जान। उत्तराखंड के सिंह त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लापता जवान राजेंद्र सिंह की पत्नी से मिलकर जाना उनका हाल। सैन्य अस्पताल में भर्ती जवान की पत्नी सीएम ने कहा जवान की खोज के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के निदेशक मंडल की 5वीं बैठक आयोजित। बैठक में युगांडा को कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत कराए जाने का फैसला लिया गया। देहरादून में रिक्शा चालक ने मिट्टी का तेल डालकर की आत्मदाह की कोशिश। बता दें कि ई रिक्शा को देहरादून के मुख्य मार्गों पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रतिबंधित करने के बाद रिक्शा चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रुड़के में सीए के खिलाफ महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। वहीं कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि बीजेपी सरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच चाय खाई पैदा कर देना चाहती है, जबकि बीजेपी को दिल्ली चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। रामनगर में 26 करोड़ की लागत से बने पुल की हकीकत सामने आई। पुल पर कई जगह दिखने शुरू हो गए गड्ढे। बीते दिसंबर में ही सीएम ने किया था पुल का उद्घाटन। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। ओवरटेक करते हुए तेज रफ्तार की बस से टक्कर मारी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती।